निकाय चुनाव की तारीख अब बिल्कुल करीब आ चुकी है और प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। प्रत्याशियों ने सारा जोर जनसंपर्क पर लगा दिया है। इसी कड़ी में वार्ड 44 से पार्षद पद की भाजपा प्रत्याशी रानी सैनी भी जनता से मिल रही हैं। पीतल बस्ती में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष जसवंत सिंह सैनी, नगर विधायक रितेश गुप्ता, भाजपा से मेयर पद के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल भी मौजूद रहे। सभी ने जनता से अपील की कि वो 29 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर जाकर कमल के फूल का बटन दबाकर रानी सैनी को विजयी बनाएं, जिससे विकास पूरी तरह से हो सके। कुचल करके वापस आती है और यही कांग्रेस के लोग पूछते हैं, मोदी जी इसका खुल के जेल में चला गया, विकास नहीं हुआ। मेरे भाइयों, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को भी बदला, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार को भी बदल दिया। आप नंबर आता है मुरादाबाद का, एक सरकार केंद्र के अंदर चलती है, एक सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है। मेरे भाइयों, नगर निगम के रूप में एक सरकार आपकी मुरादाबाद में भी चलती है, आपकी सरकार है। मुरादाबाद के अंदर भी आपकी सरकार बनेगी मेरे भाइयों, मुरादाबाद के अंदर विकास होगा, मुरादाबाद के अंदर सीवर चौक नहीं होगी, मुरादाबाद के अंदर गंदगी का ढेर नहीं होगा, चारों तरफ विकास दिखाई देगा। इस विकास के लिए चाहिए आपका समर्थन, विकास के लिए चाहिए सहयोग, विकास के लिए रानी सैनी चाहिए, विकास के लिए विनोद अग्रवाल चाहिए, विनोद अग्रवाल और रानी सैनी के रूप में फिर तो कमल का फूल चाहिए।